हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उत्तराखंड पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एग्ज़ाम 2021 के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के विषय में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग 6 सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है डिप्लोमा में। और यहाँ पर स्टूडेंट्स, इसका जो एग्ज़ाम है वो 15 सितंबर 2021 को है, यानी 15 सितंबर 2021 को ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम है। तो स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम से पहले, जिन स्टूडेंट को पैटर्न नहीं पता कि किस पैटर्न पर इस बार ये एग्ज़ाम आने वाला है, किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, तो स्टूडेंट्स उनके लिए मैं टोटल जो है यहाँ पर एक वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें हम जो है सभी टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। हर चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो एग्ज़ाम में 100% आपको देखने के लिए मिलेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो हमने क्वेश्चंस लिए हैं वो प्रीवियस ईयर 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से देख कर लिए हैं। इसी तरीके क्वेश्चन इस बार भी आएंगे। और इस बार तो स्टूडेंट जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो काफ़ी आसान हो गया है, वो भी मैं आपको बताऊँगा कि एग्ज़ाम पैटर्न किस तरीके से चेंज हो गया है, कैसे पास होना आसान हो गया है स्टूडेंट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में जानते हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की। तो देखिए यहाँ पर टोटल 8 जो हैं वो आपके चैप्टर हैं, इंट्रोडक्शन, ट्रांसमिशन सिस्टम, स्टीयरिंग सिस्टम, ब्रेकिंग सिस्टम, सस्पेंशन सिस्टम, बैटरी, डायनामो एंड अल्टरनेटर, लाइटिंग सिस्टम एंड एसेसरीज। स्टूडेंट, तो देखिए ये आपके 8 चैप्टर हैं और इन 8 चैप्टरों की जो वेटेज है वो 80 मार्क्स की है, यानी जो वेटेज है वो टोटल 80 मार्क्स की है। तो इन 8 चैप्टरों में से 80 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन में आएगा। और पैटर्न देखिए किस प्रकार रहेगा इस बारी, वो भी देख लीजिए। तो ये एग्ज़ाम का पैटर्न है, टोटल मार्क्स जो हैं आपके 80 हैं, टोटल मार्क आपके 80 मार्क हैं। यहाँ पर ध्यान रखिए 80 मार्क्स में से जो आपके 40 मार्क्स होंगे उसके 20 क्वेश्चन आएंगे। 40 मार्क के देखिए 20 क्वेश्चन आएंगे, दो दो नंबर के यहाँ पर देखिए 20 क्वेश्चन रहेंगे। तो देखिए आपके कितने क्वेश्चन हो गए, फिर 2 × 20 यानी 40 मार्क्स यहाँ पर आ गए। 2 × 20 यहाँ पर 40 मार्क आपके आ जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से जो 20 मार्क के आपके 4 क्वेश्चन आएंगे, यानी 5 यहाँ पर कितने मार्क के क्वेश्चन रहेंगे, यहाँ पर आपके 4 मार्क के क्वेश्चन रहेंगे, यहाँ पर आपके 4 मार्क के नहीं बल्कि 5 मार्क के यहाँ पर क्वेश्चन रहेंगे, आपके 5 मार्क के क्वेश्चन रहेंगे सेक्शन बी में। और सेक्शन सी में यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन रहेंगे 20 मार्क के, और ये रहेंगे आपके 10 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा। तो आप समझ गए हैं कि सबसे पहले से जो सेक्शन ए होगा उसमें 20 क्वेश्चन के आपको कितने नंबर मिलेंगे, 40, तो 2 नंबर का एक क्वेश्चन हुआ। फिर जो सेक्शन बी होगा वो भी 20 नंबर का है, पर उसमें आपको 5 या 4 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे, 5, अगर 4 आएंगे तो 5 मार्क के, और अगर 5 आएंगे तो 4 मार्क के, ये ध्यान रखिए। और जो 2 क्वेश्चन आएंगे सेक्शन सी में वो 20-20 मार्क्स के 2 आएंगे। इसमें भी स्टूडेंट आपको चॉइसेस मिलेंगी, जैसे अगर जो 20 क्वेश्चंस आपको करने हैं तो इसमें आपको 24 क्वेश्चंस दिए होंगे टोटल, उसमें से आपको 20 करने होंगे। यहाँ पर भी आपको देखिए जो 4 क्वेश्चन हैं, 4 क्वेश्चन करने, 4-5 क्वेश्चन करने, इसमें भी आपको 6-7 यहाँ पर क्वेश्चन दिए होंगे। इसी तरीके से आपको 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चन करने, यहाँ पर भी 3 से 4 क्वेश्चन आपको दिए होंगे। इसका मतलब है कि चॉइसेस आपको एग्जामिनेशन में इस बार अच्छे से देखने के लिए मिलेंगे, तो वही क्वेश्चन आप करेंगे जो आपको अच्छे से आता होगा। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं। सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया, 8 यहाँ पर चैप्टर हैं, तो अब सब चैप्टर से बारी बारी जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में जानना शुरू कर देते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहले देखिए जो क्वेश्चन बन सकता है आपका, देखिए ये आपका 10 मार्क में भी क्वेश्चन बन सकता है, 5 मार्क में भी क्वेश्चन बन सकता है, और क्लासिफिकेशन और ऑटोमोबाइल में 2-2 मार्क के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए ऑटोमोबाइल क्या होता है, ऑटोमोबाइल इज अ सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल, यानी कि सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल है जो क्या करता है, ग्राउंड पर चलता है। एक ऐसा व्हीकल जो कि ग्राउंड पर चलता है, सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल है, जिसका आप उपयोग करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, गुड यानी जो गुड्स हैं आपका, जो सामान है उसकी आवाजाही के लिए आप इस्तेमाल करते हैं ऑटोमोबाइल का, ये आप ध्यान रखिए। तो ऑटोमोबाइल आपको पता है एक ऐसा जो क्या है, एक ऐसा व्हीकल है, ऑटोमोबाइल एक व्हीकल है जो खुद से देखिए ज़मीन पर यहाँ पर चलता है, उसको ह्यूमन एफर्ट द्वारा चलाया जाता है। अब देखिए क्लासिफिकेशन, ऑटोमोबाइल को जब आप क्लासीफाई करते हैं तो देखिए सबसे पहले कैपेसिटी के आधार पर, भार के आधार पर देखिए, हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल, मीडियम ट्रांसपोर्ट व्हीकल और लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल। हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल में देखिए आपके बसेस, ट्रक और ट्रैक्टर आते हैं। मीडियम ट्रांसपोर्ट व्हीकल में आपके टेम्पो, मिनी बस, स्टेशन वैगन ये आते हैं, और लाइट ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल में आपके आते हैं कार, जीप, मोटरसाइकिल, स्कूटर एक्सेट्रा। अब देखिए ये तो पहले
पहले आपने एक क्लासिफिकेशन किया, दूसरा क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू व्हील एंड एक्सल, व्हील और एक्सल के आधार पर। सबसे पहले देखिए, अगर दो व्हील होते हैं गाड़ी में तो उसे आप टू व्हीलर कहते हैं, जैसे स्कूटर हो गया, मोटरसाइकिल हो गई, साइकिल्स आप बोल सकते हैं। थ्री व्हीलर में जैसे आप ऑटो रिक्शा, टेम्पो, ई रिक्शाज देखते हैं, तो ये थ्री व्हीलर्स हो गए। फोर व्हीलर कार, जीप, बसेस, टेम्पो, जितने भी हैं ये आपके फोर व्हीलर हैं। सिक्स व्हीलर भी होते हैं, टाटा के ट्रक्स, बड़े बड़े टायर्स होते हैं यहाँ पर, उसमें देखिए बहुत सारे दो दो टायर लगे होते हैं एक ही एक्सल पर, एक साइड में दो एक तरफ, दो एक तरफ, तो देखिए वो सिक्स व्हीलर होता है। वो देखिए वो ज़्यादा हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल में आते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो दो क्लासिफिकेशन हो गए। तीसरा क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू स्टीयरिंग सिस्टम। स्टीयरिंग, स्टीयरिंग क्या होता है? स्टीयरिंग ऐसे डिवाइस है जिससे आप क्या करते हैं, गाड़ी का मोशन को कंट्रोल करते हैं कि इसका मोशन कौन सी डायरेक्शन में होगा, या आपको राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, तो आप स्टीयरिंग की मदद से करेंगे। तो दो तरीके की स्टीयरिंग होता है, एक लेफ्ट हैंड ड्राइव और दूसरा राइट हैंड ड्राइव। लेफ्ट हैंड ड्राइव में जैसे आपके आगे वेस्टर्न व्हीकल्स, वेस्टर्न व्हीकल्स जो आपके अमेरिका, रशिया में यूज़ होते हैं, जहाँ पर स्टीयरिंग लेफ्ट हैंड साइड होता है, बल्कि जो राइट हैंड ड्राइव होता है वो इंडियन व्हीकल्स होते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो भारत में जो गाड़ियाँ होती हैं उनमें जो स्टीयरिंग होता है वो राइट हैंड साइड लगा होता है, तो इसलिए वो इंडियन व्हीकल्स हो गए, राइट हैंड ड्राइव्स। इंजन के आधार पर देखिए, सिंगल सिलेंडर इंजन, सिंगल सिलेंडर इंजन, सिंगल सिलेंडर इंजन आप देखिए किसमें लगा होता है, बाइक्स में, स्कूटीज़ में आप देखते हैं। मल्टी सिलेंडर इंजन जैसे आप देखते हैं फोर स्ट्रोक इंजन किसमें लगता है, कार में लगता है, आप देखते हैं कार में, बसेस में, ट्रक में, फोर यहाँ पर इंजन लगते हैं, मल्टी सिलेंडर इंजन लगते हैं वहाँ पर। तो ये आप समझ गए, सिंगल सिलेंडर लगेगा किस में लगेगा, स्कूटीज़, बाइक में लगेगा, बल्कि मल्टी सिलेंडर आपके कार में, बसेस में लगते हैं। आप देखिए रोटरी इंजन, रोटरी इंजन यानी देखिए रोटरी इंजन आपका लगता है रेसिंग कार में, वैंकल इंजन जैसे हो गया। ये आपसे ये देखिए छोटी छोटी चीज़ें आपसे दो दो नंबर में भी पूछी जा सकती हैं इस बारी, तो ये ध्यान रखिएगा। विद रिस्पेक्ट टू फ्यूल यूज्ड, यानी कौन सा फ्यूल आप यूज़ कर रहे हैं ऑटोमोबाइल पे, उसके आधार पर भी आप ऑटोमोबाइल को क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर पेट्रोल व्हीकल्स, डीजल व्हीकल्स, गैस व्हीकल्स, पेट्रोल व्हीकल जैसे स्कूटर में, मोटरसाइकिल में, कार में आप पेट्रोल व्हीकल यूज़ करते हैं, डीजल का भी हैवी जो व्हीकल्स होते हैं वहाँ पर आप डीजल का इस्तेमाल करते हैं। गैस व्हीकल कुछ सीएनजी कार होती हैं, एलपीजी से चलने वाली होते हैं देखिए कुछ व्हीकल्स, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी होते हैं देखिए, जैसे ई रिक्शा हो गया, आपके बैटरी ट्रक्स हो गए, बैटरी कार हो गई, आजकल आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक कार्स आ गई हैं, तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं। फ्यूल के आधार पर भी आप ऑटोमोबाइल को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका ये बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब दूसरा आपका क्वेश्चन बनता है चेसिस पर, चेसिस। अब स्टूडेंट देखिए चेसिस होता क्या है, चेसिस एक ऐसा फ्रेम होता है जिस पर सारे मैकेनिकल पार्ट, जितने भी गाड़ी के मैकेनिकल पार्ट हैं उस पर क्या रहते हैं, बोल्टेड रहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं नीचे गाड़ी का फ्रेम, देखिए फ्रेम भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि देखिए जो गाड़ी का पूरा जो ऊपर मैकेनिकल सिस्टम है, जिसमें आपकी सीट्स आ गई, इसमें आपके जो है इंजन आ गया, इसमें आपके व्हील्स आ गए, जो आपका पूरा ट्रांसमिशन सिस्टम है एक फ्रेम के ऊपर रहेगा, एक स्केलेटन फ्रेम के ऊपर रहेगा, जिसको आप चेसिस बोलते हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये आपको एक चेसिस दिख रहा है, यानी इसके ऊपर बॉडी नहीं है, केवल आपको एक चेसिस दिख रही है। तो ये क्या करता है, सपोर्ट करता है जो अदर पार्ट होते हैं ऑटोमोबाइल के। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं सबसे पहले इंजन लगा होता है, यहाँ पर क्या लगा होता है, इंजन लगा होता है। इंजन के बाद आपको पता है फ्लाई व्हील में पावर जाती है, इंजन वन, दूसरा फ्लाई व्हील होता है, फिर क्लच में जाती है पावर, क्लच में जाने के बाद फिर गियर बॉक्स में, गियर बॉक्स से देखिए यूनिवर्सल जॉइंट, यूनिवर्सल जॉइंट से प्रोपेलर शाफ्ट, प्रोपेलर शाफ्ट से आपके फिर यूनिवर्सल जॉइंट के थ्रू डिफरेंशियल में जाती है। डिफरेंशियल क्या करता है स्टूडेंट, डिफरेंशियल कैसा वर्क करता है, डिफरेंशियल देखिए आपकी जो पावर थी वो इस डायरेक्शन में आ रही है, आपकी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में आ रही है, इसको देखिए इस तरीके से 90 डिग्री पावर को दोनों रियर व्हील में ट्रांसमिट करने का कार्य होता है डिफरेंशियल का। और डिफरेंशियल का आप देखिए इस्तेमाल किस कहाँ पर देखते हैं, जहाँ पर गाड़ी टर्न करती है, तो जहाँ पर गाड़ी टर्न करेगी तो देखिए जो आउटर व्हील होगा उसको ज़्यादा देखिए पावर चाहिए, क्योंकि उसको ज़्यादा रोटेशन कंप्लीट करना है, बल्कि अंदर वाला जो इनर व्हील होगा उसको कम रेवोल्यूशन लेना है। तो ये वहाँ पर भी देखिए जो पावर का ट्रांसमिशन होता है आउटर व्हील को ज़्यादा और इनर व्हील को कम, ये भी आप डिफरेंशियल की मदद से ही करते हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। आप चेसिस समझ गए हैं कि चेसिस एक ऐसा स्केलेटन फ्रेम है जिसके ऊपर सारे पार्ट जो हैं बोल्टेड रहते हैं, चाहे इंजन हो, इंजन के से जो ट्रांसमिशन सिस्टम है वो हो गया, फिर आपके देखिए यहाँ पर फ्रंट एक्सल लगा हुआ है,
आगे का देखिए जो एक्सल है जिसपे टायर लगे हुए हैं आपके, व्हील लगे हुए हैं, इसी तरीके से रियर एक्सल है, तो ये चेजिस हो गया। अब देखिए चेजिस के कार्य होते हैं। चेजिस क्या करता है, सबसे पहले तो ये क्या करता है, आपने देखा कि मैकेनिकल पार्ट्स को क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, क्योंकि सारे पार्ट्स इसके ऊपर लगे होते हैं। इसका दूसरा कार्य होता है कि जो लोड आ रहा है, स्टैटिक एंड डायनेमिक लोड, देखिए जब गाड़ी खड़ी है तब भी देखिए लोड है चेजिस पर, और जब गाड़ी चल रही है तो भी चेजिस पर, जो सारे मैकेनिकल पार्ट्स हैं उनका क्या है, वेट है। तो दूसरा ये उसको क्या करता है, सहता है, बियर करता है। और देखिए ये क्या करता है, इट सपोर्ट, ये सारे को सपोर्ट करता है, ये इसका कार्य होता है मेनली। तो आप चेजिस के बारे में अच्छे से समझ गए, इसका लेआउट भी एग्जामिनेशन में बनाने के लिए आ सकता है। अब देखिए यहाँ पर एक डिफरेंस भी यहाँ पे आ सकता है, देखिए 5 मार्क में यहाँ पर एक डिफरेंस भी आता है, फ्रंट व्हील ड्राइव और रियर व्हील ड्राइव। अब आप कहेंगे देखिए कि फ्रंट व्हील ड्राइव है, देखिए कि अगर देखिए जो इंजन की जो पावर है, ये गाड़ी मानिए टॉप व्यू गाड़ी का, यहाँ पर टायर लगे हुए हैं इस तरीके से, ये टायर लगे हुए हैं आपके, ये आपके टायर लगे हुए हैं, और यहाँ पर क्या है आपका इंजन है, यहाँ पर इंजन है। अगर ये इंजन है ई इसको नाम दे देते हैं, ये टायर्स हैं टी 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 और टी। तो देखिए अगर देखिए जो इंजन है वो सीधा पावर जो है वो फ्रंट व्हील को दे रहा है, सीधा जो पावर है वो फ्रंट एक्सल को आप यहाँ पर पावर दे रहे हैं, और इससे आपके फ्रंट व्हील रोटेट कर रहे हैं, तो वो आपका हो गया फ्रंट व्हील ड्राइव। और ऐसा ट्रांसमिशन सिस्टम जिसमें देखिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं, क्लच का, गियर बॉक्स का, और रियर को, और आप रियर में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फ्रंट में तो इंजन, यहाँ पर इंजन तो फ्रंट में ही होगा आपका, इंजन तो यहीं आपका लगा होगा, पर सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए इसमें आपका क्या होता है, यहाँ पर इंजन यहाँ पर लगा होगा, इंजन के बाद फिर आपकी फ्लाई व्हील लगी होगी, फ्लाई व्हील के बाद फिर आपका यहाँ पर क्लच लगा होगा, फिर गियर बॉक्स लगा होगा, फिर प्रोपेलर शाफ्ट यहाँ पर होगी। यानी इतना बड़ा सिस्टम लगा है कि रियर व्हील को पावर जाए, और रियर व्हील को अगर इंजन पावर ट्रांसमिट कर रहा है तो उसे आप रियर व्हील ड्राइव कहेंगे, और फ्रंट व्हील को अगर पावर ट्रांसमिट कर रहा है, इंजन की पावर सीधा फ्रंट व्हील में जा रही है, तो आप उसे फ्रंट व्हील ड्राइव कहेंगे, और अगर इंजन की पावर सीधा जो है रियर व्हील्स पे आ रही है तो आप उसे रियर व्हील ड्राइव कहेंगे। इनमें ही एक डिफरेंस आता है स्टूडेंट। सबसे पहले देखिए एज़ कम्पेयर टू फ्रंट व्हील में, देखिए एज़ कम्पेयर टू रियर व्हील ड्राइव देयर इज़ फास्टर, देखिए ये फास्टर होती हैं फ्रंट व्हील ड्राइव, एंड सेफर ट्रैवलिंग ड्यू टू गुड रोड होल्डिंग ऑन कर्व। देखिए जहाँ पर कर्व होते हैं वहाँ पर देखिए फ्रंट व्हील ड्राइव क्या होता है, वहाँ पर सक्सेस करता है, क्योंकि इसका वेट जो होता है आगे होता है, सारा वेट देखिए आगे यहाँ पर होगा, इंजन भी आगे ही होता है, पावर भी आगे वाले टायर्स को ही मिल रही है, तो यहाँ पर ये देखिए सेफर होता है ट्रैवल करने के लिए कर्व पे, और देखिए ये क्या होता है फास्टर भी गाड़ी चलती है, क्योंकि गाड़ी यहाँ पर आपकी क्या होगी, हल्की होगी यहाँ पर, तो तेज भी इंजन आगे वाले टायर्स को पावर मिल रही है, तो ये फास्ट चलती है। बल्कि आप रियर व्हील ड्राइव को देखें तो रियर व्हील ड्राइव में क्या होता है, वेट होता है। वेट किसके कारण होगा, जैसे आपने देखा गियर बॉक्स वहाँ पे लग गया, गियर बॉक्स, प्रोपेलर शाफ्ट, डिफरेंशियल, इतने सारे इक्विपमेंट लग रहे हैं रियर व्हील ड्राइव में, तो उसका वेट बढ़ जाता है। वेट बढ़ने के कारण क्या होता है स्टूडेंट, जहाँ पर देखिए गाड़ी को चढ़ना होता है, देखिए चढ़ाई पर चढ़ना होता है, देखिए पहाड़ों में चढ़ना होता है जहाँ गाड़ी को, वहाँ पर देखिए आपको ज़्यादा स्पीड की जरूरत नहीं है, वहाँ पर आपको ज़्यादा टॉर्क की आवश्यकता है, ज़्यादा पावर की आवश्यकता है, तो वो रियर व्हील ड्राइव में ज़्यादा होती है, ज़्यादा एक्सेलरेशन जो होती है वो रियर व्हील ड्राइव में होती है। अगर फ्रंट व्हील ड्राइव की तुलना में अगर आप देखें तो रियर व्हील ड्राइव में ज़्यादा एक्सेलरेशन पावर होती है, अच्छी अडेशन प्रॉपर्टी होती है वेट के कारण, तो वो जो आपकी जो रोड है उससे अच्छा कॉन्टैक्ट बनाती है। ये पहला अंतर है कि ये चलिए अच्छा है, सेफर है, फास्टर चलती है, पर एक्सेलरेटिंग किसकी अच्छी है, रियर व्हील ड्राइव की, और ज़्यादा टॉर्क भी यहाँ से आपको मिलता है। अब देखिए प्रोपेलर शाफ्ट यहाँ पर नहीं होती, तो इसकी हाइट जो है फ्रंट व्हील ड्राइव की आप कम कर सकते हैं, बॉडी हाइट कैन बी लोअर्ड। बल्कि देखिए रियर व्हील ड्राइव में प्रोपेलर शाफ्ट होती है, तो वहाँ पर देखिए गाड़ी की जो आपको हाइट दिखेगी, देखिए वो क्या लगेगी, बॉडी की जो हाइट होगी उसको आप नीचे नहीं कर सकते, क्योंकि नीचे एक प्रोपेलर शाफ्ट घूमने के लिए आपको स्पेस चाहिए चाहिए, तो वहाँ पर देखिए आपको स्पेस नहीं मिलेगा, कहाँ पर स्पेस नहीं मिलेगा आपको, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ प्रोपेलर शाफ्ट, बॉडी की हाइट को आप लोअर कर सकते हैं फ्रंट व्हील ड्राइव में, और यहाँ पर लोअर नहीं कर सकते। स्टीयरिंग देखिए यहाँ पर आसान नहीं होता फ्रंट व्हील ड्राइव में, बल्कि स्टीयरिंग आसान होता है रियर व्हील ड्राइव में। यहाँ पर देखिए ज़्यादा लगेज के लिए देखिए क्या होता है, स्पेस होता है फ्रंट व्हील ड्राइव में, यहाँ पर लगेज के लिए कम स्पेस होता है, बहुत ही कम, जैसे आपको पता है। द इंजन, क्लच, गियर बॉक्स एंड फाइनल ड्राइव आर कॉम्बाइंड विच प्रोवाइड ए मोर कम्फर्टेबल ड्राइव एंड कॉम्पैक्ट फाइनल ड्राइव, दस द कंट्रोलर लेस लॉन्गर। यहाँ पर आप देखिए
जो यहाँ पर कंट्रोल है, जैसे इंजन हो गया, गियर बॉक्स हो गया, इन सबको मिलाकर देखिए यहाँ पर एक कंफर्टेबल ड्राइव होती है फ्रंट व्हील ड्राइव में, बल्कि यहाँ पर रियर व्हील ड्राइव में टू कंट्रोल द इंजन, क्लच एंड गियर बॉक्स। यहाँ पर देखिए ज़्यादा लिंकेजेस की आवश्यकता होती है कहाँ पर, रियर व्हील ड्राइव में, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप वेट भी बढ़ गया, क्लच इन सब चीज़ों का भी आप उपयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट, क्लच, गियर बॉक्स, प्रोपेलर शाफ्ट, इसके कारण क्या हो रहा है, लिंकेजेस आपको ज़्यादा देनी पड़ रही है, इसलिए क्या हो रहा है, आपको क्या करना पड़ रहा है, वहाँ पर ज़्यादा लिंकेजेस देनी पड़ रही है, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा सस्पेंशन सिस्टम लगाना पड़ेगा अच्छे से, वहाँ पर स्टीयरिंग अच्छा होना चाहिए रियर व्हील ड्राइव में। तो ये देखिए दोनों के बीच में डिफरेंस है, आई होप आप ये पांच पांच डिफरेंस देखिए दोनों के बीच में समझ चुके हैं। और अगर इसमें देखिए आप इसको देखिए अच्छे से, इसकी स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। चलिए आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। अब पहला चैप्टर में देखिए इतने ही इंपॉर्टेंट है, दूसरा चैप्टर है क्लच, दूसरा चैप्टर स्टूडेंट यहाँ पर क्लच है, क्लच है, ट्रांसमिशन सिस्टम है, जिसमें सबसे पहले क्लच के बारे में डिस्कस करेंगे, गियर बॉक्स के बारे में, प्रोपेलर शाफ्ट, यूनिवर्सल जॉइंट, डिफरेंशियल, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्लच क्या होता है, देखिए आपको पता है क्लच एक ऐसा डिवाइस है जो कि इंगेज और डिसंगेज करता है इंजन की पावर को, इंजन की पावर को ड्राइविंग व्हील तक कौन पहुँचाने कार्य करता है, क्लच। अगर देखिए यहाँ पर आपका इंजन है, इंजन, और ये यहाँ पर आपका गियर बॉक्स, गियर बॉक्स से फिर पावर आपकी जाती है सीधा रियर व्हील में। तो यहाँ पर बीच में एक अरेंजमेंट लगा होता है, देखिए क्लच, फ्लाई व्हील यहाँ पर इसके आगे लगा होता है इस तरीके से, फ्लाई व्हील, फिर यहाँ पर क्लच होता है। इंजन से पावर देखिए फ्लाई व्हील में स्टोर हो जाती है, जो क्रैंकशाफ्ट घूमती है यहाँ पर फ्लाई व्हील में एनर्जी स्टोर होती है। तो आप देखिए क्लच क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो इंगेज और डिसंगेज को करता है पावर को, जिससे पावर जो है वो पीछे यानी रियर व्हील तक पहुँचे। तो इसी तरीके से देखिए जब आप देखिए गाड़ी को स्टॉप करते हैं, ये भी आप क्लच की मदद से ही करते हैं। अगर देखिए कहीं पर जाम लगा हुआ है, वहाँ पर आपको गाड़ी को स्टॉप करना है पर इंजन आपको चालू रखना है, तो वो भी मदद से आप किसको करेंगे, आप किसकी मदद से कर सकते हैं, क्लच की मदद से कर सकते हैं, ये ध्यान रखिए। गियर आप चेंज करते हैं गाड़ी में, तो ये भी क्लच की मदद से ही करते हैं। तो ये क्लच के फंक्शंस होते हैं, ये भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। अब देखिए क्लच की जो अरेंजमेंट होती है, देखिए तीन यहाँ पर क्लच हैं, सिंगल प्लेट क्लच, मल्टीप्लेट क्लच और सेंट्रीफ्यूगल क्लच। तो देखिए तीनों में एक चीज़ यहाँ पर कॉमन, देखिए तीन कंपोनेंट मेन रहते हैं, फ्लाई व्हील, फिर देखिए फ्लाई व्हील के बाद आपके आते हैं यहाँ पर देखिए बीच में स्टूडेंट्स आपके देखिए क्लच प्लेट होती है, क्लच प्लेट, क्लच प्लेट, और फिर स्टूडेंट्स आपका यहाँ पर रहेगा क्लच प्लेट, फिर आपके यहाँ पर रहेगा प्रेशर प्लेट, प्रेशर प्लेट आपके यहाँ पर रहेगी, ये ध्यान रखिए। तो क्या होता है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर फ्लाई व्हील से यहाँ पर एक कनेक्टेड होती है यहाँ पर आपकी ड्राइविंग शाफ्ट, जो कि एनर्जी क्लच को दे रही है, और यहाँ पर एक ड्रिवन शाफ्ट यहाँ पर अटैच होती है, किससे, आपके यहाँ पर जो प्रेशर प्लेट है। तो देखिए स्टूडेंट जहाँ पर इंगेज कंडीशन होती है, जहाँ पर क्लच इंगेज कंडीशन में होता है, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर जो स्प्रिंग लगी होती है प्रेशर प्लेट पर, ये इसको इंगेज कंडीशन में बनाकर रखती हैं, और जैसे ही आप पैडल हटाते हैं, पैडल देखिए जैसे ही आप लगाएंगे वैसे ही डिसइंगेजमेंट हो जाएगी, यानी पैडल प्रेस करने के कारण ये स्प्रिंग देखिए अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी, और जो इंगेजमेंट था उसको डिसइंगेजमेंट में चेंज कर देगी। यही वर्किंग होता है देखिए क्लच का। मल्टीप्लेट क्लच में कुछ नहीं होगा स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए एक सिंगल प्लेट थी, यहाँ पर मल्टीप्लेट आ जाती है कॉन्टैक्ट में, कार्य उनका भी वही है कि जो प्रेशर प्लेट पर स्प्रिंग देखिए जब आप पैडल को प्रेस करते हैं तो फोर्स लगाती है, जिसके कारण ये क्या होता है इंगेज, जिसके कारण ये क्या होता है स्टूडेंट, अगर आप पैडल दबाते हैं तो डिसइंगेज होता है, और पैडल नहीं दबता है तो इंगेजमेंट रहती तब तक, ये ध्यान रखिए। सेम यहाँ पर वर्किंग है सिंगल प्लेट की और मल्टीप्लेट की, बस यहाँ पर प्लेट्स का डिफरेंस है। आप देखिए एक आता है सेंट्रीफ्यूगल क्लच, सेंट्रीफ्यूगल क्लच बहुत बार एग्जामिनेशन में आ रखा है, और सेंट्रीफ्यूगल क्लच देखिए इंपॉर्टेंट है क्यों, मैं आपको बताऊं, सेंट्रीफ्यूगल क्लच देखिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्कूटीज़ में इसका उपयोग करते हैं आप, स्कूटर्स में, स्कूटीज़ जो होती हैं वहाँ पर इसका आप उपयोग करते हैं सेंट्रीफ्यूगल क्लच का, एक्टिवा में, होंडा, जो भी आपकी स्कूटियाँ हैं उनमें देखिए सेंट्रीफ्यूगल क्लच यूज होता है। ये कैसे कार्य करता है देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट जैसे एक ड्राइविंग शाफ्ट है, एक ड्रिवन शाफ्ट है, यहाँ पर देखिए ड्राइविंग शाफ्ट से कवर प्लेट यहाँ पर जुड़ी रहती है, पुली टाइप की यहाँ पर जुड़ी हुई है, और इस ड्राइविंग शाफ्ट से आपके क्या जुड़ा रहता है, एक देखिए आपका अरेंजमेंट यहाँ पर जुड़ा रहता है स्पाइडर, इसको आप बोलते हैं, और इस स्पाइडर पे आपका फेराडो इनके एंड पर इस तरीके से चिपका होता है, एंड पर चिपका होता है। अब क्या होगा, जैसे ही आपकी ड्राइविंग शाफ्ट घूमेगी, ये घूम रही है, तो देखिए जितनी तेज़ी से घूमेगी उतनी तेज़ी से यहाँ पर देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ये बाहर को जाने की कोशिश करेंगे स्पाइडर, और ये इस जो आपकी पुली है इस पे जाकर चिपक जाएंगे, और ये पुली किससे कनेक्टेड, ड्राइविंग शाफ्ट से। तो यही है स्टूडेंट स्कूटी में भी देखिए, जब आप क्या करते हैं, जब आप एक्सेलरेट करते हैं तो आपकी ड्राइविंग शाफ्ट तेज़ घूमेगी,
ड्राइविंग शाफ्ट तेज घूमेगी, ड्राइविंग शाफ्ट तेज घूमने के कारण क्या होगा, जो उससे पुली अटैच है वो भी तेज घूमेगी जो कि ड्रिवन शाफ्ट से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर आपका देखिए इस तरीके से ड्राइविंग शाफ्ट और ड्रिवन शाफ्ट आपस में कनेक्टेड रहते हैं इस अरेंजमेंट से। तो ये आप ध्यान रखिएगा, सेंटर फोर्क क्लच स्कूटीज़ में यूज़ होता है, कैसे वर्क करता है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब देखिए यहाँ पर हम गियर बॉक्स के बारे में बात करते हैं। तीन तरीके के गियर बॉक्स हैं, स्लाइडिंग मैश, कॉन्स्टेंट मैश और सिंक्रोनस गियर बॉक्स। तो स्टूडेंट देखिए गियर बॉक्स होता क्या है, क्लच के बाद देखिए जो पावर होती है वो गियर बॉक्स में जाती है। तो गियर बॉक्स क्या होता है, अरेंजमेंट, यहाँ पर गियर के अरेंजमेंट लगे होते हैं। गियर के अरेंजमेंट को ही आप देखिए, गियर बॉक्स में एक बॉक्स होता है जिसके अंदर बहुत सारे गियर्स होते हैं, गियर का अरेंजमेंट वहाँ पर होता है, जो क्या करते हैं अलग अलग, देखिए स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए आप गियर अलग अलग गियर लगाते हैं। पहले गियर पे गाड़ी आराम से चलेगी, दूसरे गियर पे गाड़ी उससे तेज, फिर तीसरे पे उससे तेज। तो इस तरीके से गियर का अरेंजमेंट होता है एक हाउसिंग के अंदर बंद, जो कि इंजन की पावर को जो क्लच से मिली है गियर बॉक्स को वो ड्राइविंग व्हील्स तक पहुँचाता है, ये गियर बॉक्स हो गया। अब तीन तरीके के यहाँ पर देखिए गियर बॉक्स होते हैं, स्लाइडिंग मैश। तो देखिए ये क्लच की शाफ्ट से पावर आ रही है गियर बॉक्स पे, जो यहाँ पर गियर कनेक्ट है उसे आप क्लच गियर बोलते हैं, और जो यहाँ पर आपके एक ड्रिवन गियर है, यहाँ पर ड्रिवन जो क्लच गियर से कनेक्टेड रहता है। फिर इस ड्रिवन गियर से स्टूडेंट आपके एक शाफ्ट कनेक्ट रहती है जिसे आप ले शाफ्ट बोलते हैं। इस पर रिजिड गियर होते हैं, कैसे गियर होते हैं, रिजिड गियर, कैसे गियर होते हैं, रिजिड गियर यहाँ पर होते हैं। और जो आपके ऊपर मेन शाफ्ट है इस पर आपके फ्रीली फ्री मूव करते हैं गियर, जो ऊपर लगे होते हैं ये फ्री होते हैं, ये गियर रिजिड होते हैं। तो स्लाइडिंग मैश में क्या होता है, देखिए जो आपको फर्स्ट अगर आपको गियर लगाना है तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर इसको स्लाइड करेंगे इस तरीके से, पावर इस तरीके से आ रही है, यहाँ पावर जा रही है। अगर आपको स्लाइड करना है तो आप इस तरीके से, अगर ये फर्स्ट गियर है तो फर्स्ट से यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, सेकंड गियर है तो सेकंड यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, थर्ड गियर सीधा यहीं कनेक्ट हो जाता है, यह ध्यान रखिए। और अगर आपको गाड़ी को रिवर्स करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आइडल गियर की मदद से यहाँ पर आपकी गाड़ी जो है रिवर्स डायरेक्शन में भी जाएगी। तो इस तरीके से स्लाइड करते हैं गियर आपस में, तो इसको इसलिए स्लाइडिंग के कारण ही इसका नाम स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स पड़ा हुआ है। ये आप ध्यान रखिए, इसका डायग्राम आप बनाएंगे, इसके बारे में लिखेंगे कैसे कि सबसे पहले क्लच शाफ्ट से क्लच गियर में आई पावर, फिर क्लच गियर से देखिए आपके ड्रिवन यहाँ पर जो गियर है उसमें, फिर इससे ले शाफ्ट में पावर आती है, उसमें रिजिड गियर होते हैं, रिजिड गियर स्लाइड करते हैं इस पर आपकी ले शाफ्ट पर, यहाँ पर आपके ये तो फिक्स रहेंगे पर आप जिसको भी आपको कनेक्ट करना है उसको आप यहाँ पर स्लाइड करेंगे और इनके साथ क्या कर देंगे, इंगेज कर देंगे उस गियर पर, फिर आपकी गाड़ी उस स्पीड पर फिर घूमेगी। गियर बॉक्स के देखिए अलग अलग कार्य भी होते हैं स्टूडेंट। गियर बॉक्स क्या करता है, सबसे पहले ये इंजन को ड्राइविंग व्हील से कनेक्ट डिसकनेक्ट करने का कार्य करता है। देखिए आप क्या करते हैं, जब आप चेंज करते हैं गियर को तो सबसे पहले क्या होता है, जो पावर इंजन से आ रही है उसको डिसकनेक्ट करते हैं, पहले आप गियर चेंज करते हैं फिर आपकी पावर जाती है। दूसरा, गाड़ी अगर आपको पीछे करनी है, रिवर्स करनी है, तो वहाँ पर आप गियर बॉक्स का यूज़ करेंगे। अगर आपको अलग अलग स्पीड पे, जैसे मैंने बताया फर्स्ट गियर पे गाड़ी आराम से चलेगी, सेकंड पे उससे तेज चलेगी, अलग अलग गियर आप दे सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, जो इंजन की पावर, अगर आप देखिए चढ़ाई पर कहीं जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको देखिए ज़्यादा स्पीड की नहीं, ज़्यादा वहाँ पर आपको टॉर्क की आवश्यकता है। तो ये क्या करता है, जो आपकी पावर है इंजन की पावर को, जो हाई स्पीड पर चल रही थी अभी तक, उसको किस में, लो स्पीड में और हाई टॉर्क में भी कन्वर्ट करता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब इसका देखिए मॉडिफिकेशन है दूसरा, कॉन्स्टेंट मैश गियर बॉक्स। कॉन्स्टेंट मैश गियर बॉक्स में भी सेम है, क्लच शाफ्ट है, नीचे ले शाफ्ट है, नीचे गियर रिजिड हैं, ऊपर आपके गियर कैसे हैं, यहाँ पर आपके फ्रीली मूवेबल गियर हैं। बस इन गियर के बीच में लगा होता है क्लच डॉग, या डॉग क्लच आप इसे बोल सकते हैं। अब यहाँ पर गियर जो है ऊपर क्या नहीं करेंगे, यहाँ पर गियर जो है स्लाइड नहीं करेंगे, जिस भी आपको गियर को सेट करना है उससे ये क्लच डॉग आके क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉन्टैक्ट में आ जाएगा, और फिर उस कॉन्टैक्ट में आने के बाद जिस स्पीड से ये गियर आपका घूम रहा है उसी स्पीड से ये गियर भी घूमने लगेगा विद द हेल्प ऑफ क्लच डॉग। तो स्लाइडिंग में जितना फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा था, जितनी एनर्जी का लॉस हो रहा था, तो वो यहाँ पर कम हो जाता है। फिर आप देखिए सिंक्रोमैस जो गियर बॉक्स है इसमें आपका क्या लगा रहता है, सेम अरेंजमेंट है स्टूडेंट, सेम अरेंजमेंट है, बस यहाँ पर बीच में लगा रहता है सिंक्रोनाइज़र। सिंक्रोनाइज़र का क्या कार्य होता है, देखिए जिस स्पीड से आपके यहाँ पर देखिए रिजिड गियर रिवॉल्व कर रहे हैं, पहले उस स्पीड को वो क्या करता है, कैच करता है, पहले उस स्पीड से को कैच करता है, और फिर क्या करता है सिंक्रोनाइज़र क्या करता है, कैच करता है स्पीड को रिजिड गियर की, और फिर कनेक्ट करता है उसको रिस्पेक्टिव गियर से। क्योंकि पहले देखिए, अगर आप पहले किस में हैं, आप पहले गियर में, तो पहले वो उस स्पीड से चल रहा है आराम आराम से, फिर आप देखिए सेकंड गियर जैसे ही आपने लगाया तो वहाँ पर स्पीड बढ़ी,
तो सिंक्रोनाइजर क्या करेगा, पहले उस स्पीड को कैच करेगा, उस स्पीड को कैच करता है, सेंसर वहाँ पर लगा होता है, उस स्पीड को कैच करने के बाद फिर वो जो आपका यहाँ पर क्या लगा होता है, जो आपके यहाँ पे फ्रीली गियर्स होते हैं उनको पावर ट्रांसमिट कर देता है। तो ये सिंक्रोमैच जो होता है बेस्ट है सबसे, क्योंकि यहाँ पर पावर का जो लॉस होता है सबसे कम होता है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर सेंसिंग यहाँ पर डिवाइस है सिंक्रोनाइजर, जो कि सेंस करता है स्पीड को, फिर उसको कैच करता है और फिर वहाँ पर जिस स्पीड से आपको स्पीड चाहिए उस स्पीड से गियर घूमता है। यही कार्य होता है स्टूडेंट गियर बॉक्स का, कि जो आपकी क्लच से पावर आ रही है इंजन पावर, उसको आगे प्रोपेलर शाफ्ट तक पहुंचाना। तो आप समझ गए तीनों के बारे में। अब देखिए प्रोपेलर शाफ्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरीके से, ये थोड़ी देखिए इनक्लाइंड होती है, इनक्लाइंड यहाँ पर जुड़ी होती है यहाँ पर आप देखिए। तो ये प्रोपेलर शाफ्ट क्या करती है, जैसे आपने देखा इंजन है तो यहाँ पर आपका क्या होता है, देखिए गियर बॉक्स, गियर बॉक्स से यहाँ पर लगा हुआ यूनिवर्सल जॉइंट, फिर आपकी प्रोपेलर शाफ्ट लगी होती है। प्रोपेलर शाफ्ट क्या करती है, एक उसका एंड जो होता है वो आपका लगा होता है गियर बॉक्स से और एक एंड आपका लगा होता है डिफरेंशियल से। तो ये कुछ नहीं करती, ये जो बहुत देखिए इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रोपेलर शाफ्ट, ये देखिए इसका कार्य बड़ा ही सिंपल है। ये क्या करेगी स्टूडेंट, जो इंजन की पावर यहाँ पर जो गियर बॉक्स में थी, गियर बॉक्स से फिर जो पावर आगे ट्रांसमिट होगी वो प्रोपेलर शाफ्ट में होगी, फिर डिफरेंशियल में पावर ट्रांसमिट होगी। तो ये कार्य होता है देखिए प्रोपेलर शाफ्ट का, गियर बॉक्स से पावर को ट्रांसफर करना टू द रियर व्हील्स टू द डिफरेंशियल, ये प्रोपेलर शाफ्ट है। अब यूनिवर्सल जॉइंट क्या होती है, यूनिवर्सल जॉइंट देखिए स्टूडेंट इस प्रकार से आपका यूनिवर्सल जॉइंट होता है, ये क्या करता है आपकी इनक्लाइंड शाफ्ट को कनेक्ट करता है, इनक्लाइंड शाफ्ट को आपके क्या करता है कनेक्ट करता है यूनिवर्सल जॉइंट, जिनकी एक्सिस आपस में देखिए अलग अलग एक्सिस, चाहे आपकी एक्सिस इंटरसेक्ट कर रही हो, ये दो शाफ्ट जो किसी एंगल पर हों उनको कनेक्ट करता है। इसको आप हुक जॉइंट भी बोलते हैं, हुक जॉइंट भी आप इसे बोलते हैं, हुक जॉइंट, ये ध्यान रखिए हुक जॉइंट भी स्टूडेंट आप इसे बोलते हैं। ये क्या करता है स्टूडेंट, एक इसका जो पार्ट रहता है यहाँ पर, एक देखिए आपका गियर बॉक्स से कनेक्ट रहेगा, दूसरा यहाँ पर आपके प्रोपेलर शाफ्ट से कनेक्ट रहता है। बस ये एक जॉइंट का कार्य करता है दो चीज़ों के बीच में, जिससे आपको पावर ट्रांसमिट करनी है प्रोपेलर शाफ्ट के बीच में, और एक जगह ये लगा होता है आपके जहाँ पर प्रोपेलर शाफ्ट का एंड होता है और जहाँ पर डिफरेंशियल स्टार्ट होता है वहाँ पर भी ये जॉइंट आपका लगा रहेगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट जॉइंट है ये पावर ट्रांसमिशन में। अब देखिए जो डिफरेंशियल मैं आपको बता रहा था कि ये तो 90 डिग्री पावर को रियर व्हील में ट्रांसफ़र करता है, और दूसरा जहाँ पर आपकी गाड़ी जो टर्न लेती है इस तरीके से, गाड़ी यहाँ पर देखिए जो टर्न लेती है इस तरीके से, ये आपकी गाड़ी के व्हील्स हो गए, ये आपके टर्न जब गाड़ी आपकी लेगी तो वहाँ पर देखिए जो इनर व्हील होता है ये अंदर वाला जो व्हील है इसको कम यहाँ पर घूमना पड़ेगा बल्कि आउटर को ज़्यादा, तो आउटर जो व्हील है इसको पावर ज़्यादा जो आवश्यकता होगी तो उसको ज़्यादा पावर देने का क्या किसका कार्य होता है, डिफरेंशियल का कार्य होता है स्टूडेंट। इसमें देखिए इसका आपको डायग्राम बनाना है, एक यहाँ पर क्या होता है ड्राई पिनियन क्राउन व्हील यहाँ पर लगा होता है, ड्राई पिनियन से क्राउन व्हील के पास पावर आती है। अब देखिए जैसे ही देखिए आपको पावर क्या करनी है, इस व्हील को ज़्यादा चाहिए तो क्या करेगा, ये आपका प्लैनेट गियर यहाँ पर लगा होता है, प्लैनेट गियर देखिए जब गाड़ी सीधी चल रही है स्ट्रेट चल रही कंडीशन में तब आपको देखिए ये दोनों प्लैनेट गियर देखिए घूमते नहीं हैं, तब आपके कौन से गियर घूमते हैं, तब आपके घूमते सन गियर्स, जो कि दोनों टायर्स में बराबर, दोनों जो आपके व्हील्स हैं उनमें बराबर क्या दे रहे हैं पावर दे रहे हैं। पर जब आपका देखिए टर्न आता है तो आपके आउटर को ज़्यादा पावर चाहिए एज़ कम्पेयर टू इनर व्हील, तो स्टूडेंट वहाँ पर ध्यान रखिए तो वहाँ पर ये प्लैनेट गियर आपका घूमने लगता है और यहाँ पर पावर आपके राइट हैंड या लेफ्ट हैंड जहाँ भी आप मोड़ रहे हैं आउटर जो व्हील है उसको मिल जाती है। तो ये कार्य होता है डिफरेंशियल का, ये आपको अच्छे से पढ़ना है, आ भी सकता है एग्जामिनेशन में। अब देखिए टायर, टायर बहुत देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार भी एग्जामिनेशन में पूछे गए थे कि इंडियन सिस्टम में आप कौन कौन से टायर्स का उपयोग करते हैं स्टूडेंट। तो देखिए टायर्स क्या होते हैं, टायर्स देखिए कुशनिंग इफेक्ट देते हैं, कुशनिंग इफेक्ट किसके बीच में देते हैं, ये कुशनिंग इफेक्ट देते हैं स्टूडेंट देखिए रोड की सरफेस, रोड पर ही चलते हैं टायर, रोड और किसके बीच में, रोड और इट गिव कुशन बिटवीन द व्हील ऑफ द व्हीकल, यानी जो व्हील होते हैं जो पहिए होते हैं, ये देखिए ये जो पहिया है अंदर लगा हुआ व्हील और इसके बाहर लगा हुआ टायर, और इससे किसके साथ कॉन्टेक्ट में है, एक तो व्हील के साथ और एक किसके साथ, रोड के साथ, तो इनके बीच में क्या होता है एक कुशनिंग इफेक्ट का कार्य करता है, कौन टायर, जो कि वाइब्रेशन को शॉक को भी एब्जॉर्ब करते हैं, ये ध्यान रखिए। अब देखिए जो मेनली जो जो टायर है, सबसे पहले देखिए ट्यूब टाइप टायर जिसमें ट्यूब होगी, ट्यूब यानी जो आपका रिम है व्हील का और जो आपका टायर है
इसके बीच में अगर देखिए क्या एक ट्यूब है जिसमें आप एयर फिल करते हैं, हवा भरते हैं, तो उसको आप क्या बोलेंगे, जो एयर से भरी रहेगी, फोर्स एयर उसमें रहती है, तो उसे आप ट्यूब टायर कहते हैं। और एक होता है ट्यूबलेस टायर, एक होता है स्टूडेंट ट्यूबलेस टायर। ट्यूबलेस टायर में आपका क्या होगा, ट्यूबलेस टायर में स्टूडेंट क्या होता है, देखिए यहाँ पर आपकी ट्यूब नहीं होती, ट्यूब होती ही नहीं है। इसमें रिम आपका जो होता है, देखिए जो रिम होता है इसमें आपका, देखिए जो रिम होता है और केसिंग होती है उसके बीच में एयर को टाइट किया जाता है विद द एयर रिटेन्ड, इट इज़ माउंटेड ऑन द रिम विद द एयर रिटेन्ड बिटवीन द रिम और केसिंग के बीच में एयर पहले से माउंट होती है, पर इसके बीच में कोई ट्यूब नहीं होगी, ये ध्यान रखिए ट्यूब नहीं होती इसमें, ये ध्यान रखिए। तो ये आप दो तरह के हो गए, ट्यूबलेस और ट्यूब ट्यूब टायर, ये दो हो गए आपके, ये ध्यान रखिएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए ट्यूबलेस टायर को भी इंस्पेक्ट करना पड़ता है बारी बारी से, उसको भी देखना पड़ता है, ये आपको पता है, ये आपको पता है, देखिए कि ट्यूब और ट्यूबलेस ये आपको पता चल गया। अब देखिए एक होता है यहाँ पे क्रॉस प्लाई, एक रेडियल प्लाई। देखिए क्रॉस प्लाई में कैसे आपका देखिए होगा इस तरीके से क्रॉस, अगर देखिए टायर की जो सरफेस है वो कुछ देखिए इस तरीके से है, तो ये आपके रेडियल प्लाई टायर्स होते हैं। पर अगर ये इस तरीके से क्रॉस में, तो क्रॉस प्लाई टायर, ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन पे इनकी अलग अलग कंस्ट्रक्शन होती है उसके आधार पर होते हैं। और इन दोनों में डिफरेंस भी आता है देखिए कि जो रेडियल वाले टायर्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं एज़ कम्पेयर टू क्रॉस प्लाई टायर, ये ज़्यादा फ्यूल कंजप्शन नहीं होने देते, ये ज़्यादा ये कम हीट को क्या करते हैं जनरेट करते हैं, रेडियल अच्छे होते हैं, कहने का मतलब है रेडियल टायर अच्छे होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। टायर्स देखिए इतने ही चार आप ध्यान रखिए, बायस दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, इसमें रेडियल भी होगा और आपका क्या होगा क्रॉस भी होगा, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, तो ये टायर होते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, ये एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं बार बार। अब कुछ एंगल होते हैं देखिए, टो इन टो आउट, ये देखिए टो इन है, अगर देखिए टो इन कब होता है, जब आपके जो फ्रंट व्हील होते हैं, अगर आपके देखिए जो फ्रंट व्हील हैं वो रियर व्हील की तुलना में अंदर को झुके हुए हैं, अंदर को झुके हुए हैं, तो उसको आप क्या बोलेंगे, अंदर को यानी आपस में पास पास आ रहे हैं, क्लोज आ रहे हैं, देखिए ये टायर तो इस तरीके से हैं, पर जो आपके फ्रंट व्हील हैं वो आपके देखिए पास पास हैं, तो उसे आप टो इन कहते हैं। टो आउट आप किसे कहेंगे, अगर आपकी जो इनर व्हील हैं वो आउटसाइड को हैं, आउटसाइड हैं इस तरीके से रियर व्हील के कंपैरिजन में, उसे आप टो आउट कहेंगे। टो इन की आवश्यकता क्या होती है, स्टीयरिंग के लिए, स्टीयरिंग को स्टेबलाइज करने के लिए, और पैरेलल रोलिंग यानी आपके जो सही से रोल होते रहें टायर्स रोड पर, पैरेलल रोलिंग। और टो आउट किस लिए होता है, देखिए टो आउट होता है आपके टर्न पर, टो आउट टर्न पे यूज़ होता है जहाँ पर गाड़ी टर्न लेती है, क्योंकि आपने देखा होगा स्टूडेंट कि जो इनसाइड का जो व्हील होता है, जो इनर जो व्हील होता है वो ज़्यादा एंगल बनाता है आउटसाइड व्हील से, तो वहाँ पर टो आउट का इस्तेमाल होता है, वो आपको ध्यान रखना पड़ता है। अब कैम्बर आता है, कैम्बर क्या होता है, देखिए कैम्बर होता है, देखिए ये टायर है, ये एक वर्टिकल, ये आपकी टायर की लाइन है, बिल्कुल एक वर्टिकल लाइन आप बोलें, अगर टायर देखिए बाहर को झुका हुआ है तो ये टायर की लाइन ये हो गई, तो इन दोनों के बीच में देखिए जो पहले लाइन थी बिल्कुल वर्टिकल, और अब जो देखिए झुकने के बाद जो लाइन है इसके बीच में एक एंगल है, उसको आप बोलते हैं स्टूडेंट कैम्बर एंगल, क्या बोलेंगे कैम्बर एंगल। अगर एंगल देखिए बाहर को है तो उसे आप पॉजिटिव कैम्बर बोलेंगे, एंगल अंदर को आ रहा है इस तरीके से नेगेटिव कैम्बर, और अगर बिल्कुल सीधा है तो उसे आप न्यूट्रल कैम्बर या क्या कहेंगे न्यूट्रल कैम्बर कहेंगे। इसी तरीके से जब आप साइड व्यू से गाड़ी को देखते हैं, देखिए अगर जब आप साइकिल को देखते हैं साइड से, तभी आपको इसी तरीके से एक वर्टिकल लाइन दिखेगी और एक नकल पिन एक्सिस लाइन दिखेगी, इनके बीच में जो एंगल होता है उसको आप क्या बोलते हैं कास्टर एंगल बोलते हैं, क्या बोलेंगे कास्टर एंगल। ये भी देखिए स्टीयरिंग में आपके स्टेबिलिटी लाने में बहुत, देखिए बहुत बेटर ये काम करता है आपका स्टेबिलिटी लाने में, ये स्टेबिलिटी के लिए कास्टर एंगल आप साइड व्यू से देखते हैं जब गाड़ी में, तो वहाँ पर आपका इस्तेमाल होता है। आपको ये लिखना है कि एंगल होता है नकल पिन लाइन और वर्टिकल लाइन के बीच में, ये आपकी नकल पिन लाइन हो गई और ये आपकी वर्टिकल लाइन हो गई, इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो कास्टर एंगल होता है। इसको स्टेबिलिटी के लिए आप चेक करते हैं, जब आप व्हील का अलाइनमेंट चेक करते हैं तो देखिए वहाँ पर आप किसका इस्तेमाल करते हैं, देखिए व्हील का अलाइनमेंट देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। व्हील का अलाइनमेंट देखिए इंपॉर्टेंट क्यों होता है, देखिए व्हील का अलाइनमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है जिससे आपकी जो गाड़ी है वो स्टेबल रहे, जो व्हील है अगर वही स्टेबल नहीं होंगे तो गाड़ी तो स्टेबल हो ही नहीं सकती, तो वो स्टेबिलिटी वहाँ पर आप टो इन टो आउट कास्टर कैम्बर ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी होती हैं,
चलिए आगे यहाँ पर बढ़ते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर देखते हैं हम एयर ब्रेकिंग सिस्टम। अब ब्रेकिंग सिस्टम पर आ जाते हैं। एयर ब्रेकिंग सिस्टम में क्या होता है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए बड़ी गाड़ियों में इसका आप यूज़ करते हैं, ट्रक में आपने देखा होगा एयर ब्रेकिंग लगी हुई, तो इसमें क्या होगा देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एक एयर फिल्टर लगा होता है, एयर फिल्टर यहाँ पर लगा होता है, देखिए एयर फिल्टर, एयर फिल्टर से यहाँ पर एयर फिल्टर होता है सबसे पहले। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए एयर फिल्टर से यहाँ पर एयर अंदर आती है, फिर कंप्रेस होकर ये रिजर्वायर में स्टोर हो जाती है। और यहाँ पर देखिए एक ड्राइवर ब्रेक वाल्व लगा हुआ है, ड्राइवर ब्रेक वाल्व लगा हुआ है यहाँ पर। और देखिए जब आप यहाँ पर पैडल को प्रेस करेंगे तो ये ब्रेक वाल्व क्या होता है, सभी जो आपके टायर्स होते हैं इनमें एयर का प्रेशर यहाँ पर देता है, और एयर के प्रेशर के कारण देखिए यहाँ पर एक ब्रेक शू लगा हुआ है, ये ब्रेक शू जाकर ब्रेक जो आपका रिम होता है उसे जाके टकराता है और आपका व्हील जो होता है स्टॉप हो जाता है। ये होता है एयर ब्रेकिंग सिस्टम में, जहाँ पर आपको इसकी कंस्ट्रक्शन याद रखनी, एयर फिल्टर, एयर फिल्टर से कंप्रेसर, फिर रिजर्वायर में स्टोर हो जाती है एयर, और रिजर्वायर से स्टोर होने के बाद या ब्रेक वॉल्व से सारे टायर्स में चली जाती है जब पैडल प्रेस करते हैं। फिर दूसरा होता है हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम। हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम में भी क्या होता है स्टूडेंट्स, आपका एक मास्टर सिलेंडर होता है, ये आपका मास्टर सिलेंडर है, मास्टर सिलेंडर आपका ब्रेक पैडल से कनेक्ट रहता है, मास्टर सिलेंडर में आपका फ्लूड स्टोर रहता है, फ्लूड स्टोर रहेगा यहाँ पर, फ्लूड यहाँ पर स्टोर रहता है। और जैसे ही आप पैडल को प्रेस करते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखिए मास्टर सिलेंडर से जैसे ही आपका जो वाटर का जो प्रेशर होता है वो इन ट्यूब्स में जाता है, इन पाइपलाइंस में जाकर, इन ट्यूब्स में जाकर आपके व्हील्स में चले जाएगा, और व्हील में जो आपके ड्रम लगे हुए हैं चाहे आपकी डिस्क लगी हुई है, ये प्रेशर वहाँ पर जाएगा और जो आपका व्हील है उस पर अटैच होगा ब्रेक शू, और उससे क्या होगा आपका व्हील स्टॉप हो जाएगा। ये होता है आपका हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम। दोनों का देखिए वर्किंग सेम है, पैडल प्रेस करने के बाद बस वो क्या होगा उसका मीडियम अलग अलग है, उसमें एयर जाएगी, इसमें आपका फ्लूड जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब मास्टर सिलेंडर के बारे में कई बार एग्जाम में एक्सप्लेन करने के लिए आ जाता है 8-8 नंबर में 9-9 नंबर में, तो इसमें क्या होता है देखिए, मास्टर सिलेंडर का आपको इस तरीके से एक डायग्राम बनाना है। मास्टर सिलेंडर होता क्या है, मास्टर सिलेंडर को आप हार्ट भी बोलते हैं, हार्ट ऑफ हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम, इसको हार्ट भी बोलते हैं हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम का। इस मास्टर सिलेंडर में आपका क्या स्टोर रहता है, फ्लूड स्टोर रहता है, फ्लूड यहाँ पर स्टोर रहेगा आपका देखिए, और यहाँ पर एक पिस्टन यहाँ पर कनेक्ट रहता है आपके पैडल से। जैसे ही आप देखिए पैडल को प्रेस करते हैं तो आपका पिस्टन जो स्प्रिंग के साथ कनेक्ट है इसको पुश करेगा इस डायरेक्शन में, पुश करने के बाद स्टूडेंट्स आपके देखिए जो पाइप्स हैं, जो आपकी ये पाइप्स हैं जो आपके व्हील्स तक जाएंगे, ये आपके फ्लूड को लेकर, इनमें फ्लूड आपका प्रेशर से जाएगा और फिर व्हील सिलेंडर से होते हुए आपका ब्रेक वहाँ पर लगेगा। तो बस यही देखिए आपका कार्य है, आपको इसी तरीके से मास्टर सिलेंडर बनाना है, और जैसे ही आप वहाँ पर क्या करेंगे ब्रेक लग जाएंगे, फिर वो दोबारा वापस डायरेक्शन में जाएगा और यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, ये मास्टर सिलेंडर होता है। व्हील सिलेंडर में, व्हील सिलेंडर देखिए मास्टर सिलेंडर से फिर व्हील सिलेंडर में जाते हैं, तो देखिए यहाँ से आपका आया फ्लूड व्हील सिलेंडर में, यहाँ पर फ्लूड भर गया, अब फ्लूड यहाँ पर भर गया तो ये अब यहाँ पर फ्लूड प्रेशर से आया तो ये आपके जो पिस्टन है ये बाहर जाने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पर देखिए ये आपका टायर हुआ, और यहाँ टायर में आपके लगे होते हैं ब्रेक शू, इन पिस्टन से कनेक्ट रहते हैं। अब देखिए जैसे ही ये यहाँ पर भार को फोर्स लगाएगा तो आपके ये टायर पर जो आपका रिम है उस पर फोर्स लगाएगा और आपका रिम जो है वो स्टॉप कर देगा, हो जाएगा, जो ब्रेक शू है वो रिम को स्टॉप कर देगा, तो ये आपका व्हील सिलेंडर होता है। देखिए दोनों इंपॉर्टेंट हैं, व्हील सिलेंडर भी मास्टर सिलेंडर भी कोई भी एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, आप पिछले साल का पेपर उठाकर देख सकते हैं, वहाँ पर भी मास्टर सिलेंडर एग्जामिनेशन में आया हुआ है। देखिए कुछ कार्य नहीं है उसका, कार्य यही है कि जो आपका रिजर्वायर है एक, उस रिजर्वायर से सारे जो व्हील्स हैं उसमें जो फ्लूड आपका जा रहा है वो मास्टर सिलेंडर से ही कंट्रोल होकर जा रहे हैं, बस आपको उसकी अरेंजमेंट को समझना है कि किस तरीके से वो कार्य कर रहा है जो मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए स्टीयरिंग सिस्टम से क्या क्वेश्चन आता है, एकरमैन स्टीयरिंग मैकेनिज्म। एकरमैन स्टीयरिंग मैकेनिज्म क्या होता है, देखिए बहुत ही बेस्ट यहाँ पर मैकेनिज्म है स्टीयरिंग के लिए, इसका देखिए आपको एक फार्मूला यहाँ पर याद रखना है, डायग्राम आप इस तरीके से बनाइए, आप देखिए इसमें ये आपका रियर व्हील्स हैं पीछे वाले और ये फ्रंट व्हील हैं। जब गाड़ी टर्न लेती है देखिए तो जो मैंने आपको बताया था जो इनर एंगल होता है वो अधिक होता है आउटर से, तो ये ठीक जो आपका यहाँ पर देखिए जो इनर एंगल है, यहाँ पर देखिए जो आपका इनर एंगल है वो आपका क्या है फाई है, आप यहाँ पर आपका क्या है
फाई है, जो इनर एंगल है वो आपका कितना है फाई है, और जो आपका आउटर एंगल है वो कितना है थीटा है, वो कितना है थीटा है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप ध्यान रखिए, यहाँ पर एक रिलेशन आता है, देखिए यहाँ पर देखिए जो एक रिलेशन यहाँ पर आता है देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आप यहाँ पर लिखेंगे कॉट फाई माइनस कॉट थीटा बराबर यहाँ पर आप लिखेंगे डब्ल्यू बाय एल। इस तरीके से एक रिलेशन आता है स्टीयरिंग के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो स्टीयरिंग के लिए रिलेशन आता है ये आपको ध्यान रखना है, ये एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है कि स्टीयरिंग क्या आप जो है रिलेशन बता देंगे, तो यहाँ पर आप रिलेशन ईजिली बता सकते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर देखिए जो हमने फाई है, जो आपका देखिए स्टूडेंट यहाँ पर फाई है इस तरीके से, यहाँ पर देखिए जो इनर एंगल है वो आपका कितना है, यहाँ पर देखिए इस तरीके से आप देखिए ये जो एंगल है ये आपका कितना है थीटा, ये आपका कितना है थीटा, ये आपका थीटा है। ये आपका इन्होंने यहाँ पर देखिए डायग्राम यहाँ पर गलत बना रखा है, ये डायग्राम यहाँ पर गलत इन्होंने बनाया है। ये फाई है अगर तो ये वाला आपका फाई होना चाहिए, ये आपका थीटा होना चाहिए, ये आपका थीटा होना चाहिए। देखिए डायग्राम में मिस्टेक है, आपको केवल रिलेशन यहाँ पर याद रखना है कॉट फाई फाई माइनस कॉट थीटा बराबर आपका क्या होता है ये डब्ल्यू बाय एल, ये होता है रिलेशन, ये आपको ध्यान रखना है। और आपको इस तरीके डायग्राम बनाना है और आपको बोलना है जब आप लिखेंगे कि जो इनर एंगल होगा वो ज़्यादा होता है आउटर एंगल से, और करेक्ट स्टीयरिंग के लिए अगर आपको स्टीयरिंग सही देना है तो आपको ये इक्वेशन को फॉलो करना पड़ेगा, ये करेक्ट स्टीयरिंग की इक्वेशन है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसी तरीके से एक दूसरा मैकेनिज्म भी होता है स्टीयरिंग के लिए, उसे बोलते हैं डेविस स्टीयरिंग मैकेनिज्म। इसमें देखिए क्रॉस लिंक लगी होती है सीडी, एक क्रॉस लिंक लगी होती है सीडी जो कि पैरेलल मूव करती है इसके, जो पैरेलल मूव करती है यहाँ पर इस लिंक के, जो ये बड़ा लिंक है LM इसके पैरेलल मूव करती है यहाँ पर ये लिंक। इसमें क्या होता है देखिए इसमें स्लाइडिंग पेयर होते हैं, कैसे होते हैं स्लाइडिंग पेयर, इसलिए आप इसको उपयोग नहीं करते क्योंकि इसमें फ्रिक्शन अधिक होता है, बस यही आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर स्टीयरिंग यानी गाड़ी को डायरेक्शन देना कि आपको इस डायरेक्शन में जाना है नहीं जाना है, तो ये स्टीयरिंग का कार्य होता है। अब सस्पेंशन देखिए, सस्पेंशन क्या होता है, सस्पेंशन में जैसे आप देखिए स्प्रिंग हो गई आपकी, लीफ स्प्रिंग हो गई। सस्पेंशन क्या होता है देखिए, जो आपके जो व्हील होते हैं और बॉडी के बीच में देखिए ये लगाए जाते हैं जो कि एब्जॉर्ब करते हैं किसको शॉक को। जैसे आपके गाड़ी के नीचे कोई बम्प आया, यहाँ पर देखिए कोई बम्प यहाँ पर आया, तो अगर ये बम्प अगर आप स्प्रिंग्स का उपयोग नहीं करते, डैम्पर का उपयोग आप नहीं करते हैं, तो ये सीधा कहाँ जाएंगे, गाड़ी में जाएंगे, सीधा गाड़ी में आपको ये अंदर महसूस होंगे। पर कंफर्ट के लिए आप किसका यूज़ करते हैं, सस्पेंशन सिस्टम का यूज़ करते हैं, जैसे स्प्रिंग हो गई और क्या हो गया आपकी स्प्रिंग हो गई, लीफ स्प्रिंग हो गई, टेलीस्कोपिक आपके जो है शॉक एब्जॉर्बर हो गए, इसका आप उपयोग करते हैं, इन चीज़ों का स्टूडेंट आप देखिए उपयोग करते हैं, यह आप ध्यान रखिएगा। तो वो आपका क्या कहलाता है, सस्पेंशन सिस्टम कहलाता है, क्या कहलाता है सस्पेंशन सिस्टम कहलाता है, ये आप समझ गए। इसमें भी दो तरीके की सस्पेंशन होते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट में क्या होता है, एक ही यहाँ पर आपकी एक ही यहाँ पर एक्सल में आपके क्या लगे रहते हैं, सस्पेंशन लगे रहते हैं। अगर ये वाला व्हील आपका बम्प खाएगा तो ये वाला भी आपका अफेक्ट होगा। पर जो आपका इंडिपेंडेंट होता है, इसमें अगर एक व्हील पे बम्प आया भी तो आपका दूसरे व्हील को बम्प महसूस नहीं होगा, उस पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो अलग अलग रियर एक्सल से यहाँ पर आपका मेन डिफरेंशियल जुड़ा रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका इंडिपेंडेंट सस्पेंशन, दो तरीके के सस्पेंशन होते हैं। डिपेंडेंट में आपके आते हैं जैसे आपकी लीफ स्प्रिंग हो गई, ये ध्यान रखिएगा, बल्कि इंडिपेंडेंट में आपके आगे हाइड्रोलिक जो शॉक एब्जॉर्बर होते हैं ये आते हैं। अब देखिए एक आता है टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर, ये बहुत आता है एग्जामिनेशन में। इसमें देखिए क्या होते हैं, इस तरीके का इसका अरेंजमेंट है, जो ये नीचे वाला जो इसकी आई है ये आपके किससे जुड़ी होगी, ये आपकी जुड़ी होती है देखिए किससे आपकी जुड़ी होती है, एक्सल से जुड़ी होती है, और ऊपर वाली आई आपकी चेसिस से जुड़ी होती है। तो देखिए जैसे ही आपको बम्प यहाँ पर आता है तो इसमें देखिए फ्लूड भरा होता है और ये पिस्टन आपका अपवर्ड मूवमेंट करता है, आपने बाइक में देखा भी होगा ये अपवर्ड मूवमेंट करता है और फिर जैसे ही बम्प निकल जाता है तो ये फिर डाउनवर्ड आ जाता है। तो यही आपका टेलीस्कोपिक शॉक ऑब्जर्वर है जो कि शॉक को एब्जॉर्ब करता है, और इसकी आपको यहाँ पर कंस्ट्रक्शन बनानी है और इसी तरीके से आपको बता देना है। अब देखिए एक यहाँ पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ गया बहुत ज़्यादा, लेड एसिड बैटरी का डिस्चार्जिंग और चार्जिंग कैसे होता है। तो देखिए आपको पता है लेड एसिड बैटरी क्या होती है, देखिए आपको पता है बैटरी की बहुत आवश्यकता होती है गाड़ी में,
स्टार्टिंग के दौरान आप बैटरी का इस्तेमाल करते हैं, मतलब देखिए स्टार्टिंग के दौरान आपको करंट फ्लो करना पड़ता है, जो आपकी लाइटिंग चलती है, जो हेडलाइट होती है उसमें आपकी बैटरी का यूज़ होता है। तो देखिए बैटरी जब डिस्चार्ज होती है, तो देखिए लेड एसिड बैटरी, तो देखिए इसमें आपको बताना होगा कि इसमें जो आपका एनोड होता है वो आपका होता है किसका, लेड पेरोक्साइड का, किसका आपका होगा यहाँ पर लेड पेरोक्साइड का, यहाँ पर क्या होता है आपका यहाँ पर एनोड होता है, कैथोड किसका होता है लेड का। तो जब डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज का अर्थ है जब ये करंट यहाँ से फ्लो होता है, किसी भी लोड को करंट देना होता है, तो आप क्या करते हैं एनोड को कैथोड को एक इलेक्ट्रोलाइट में डुबा कर रखते हैं जो H2SO4 का होता है। तो यहाँ पर आप इक्वेशन यहाँ पर लिखेंगे एनोड पर क्या रिएक्शन होती है, एनोड पर क्या रिएक्शन होती है ये आपसे पूछते हैं एनोड और कैथोड पर। तो देखिए एनोड पर क्या रिएक्शन होगी, एनोड पर रिएक्शन होगी, देखिए एनोड है PbO2 H2 प्लस H2SO4, क्योंकि ये H2SO4 है। फिर यहाँ पर क्या बनेगा आपका, यहाँ पर बनेगा लेड सल्फेट प्लस H2O, ये बन जाएगा। और कैथोड पे क्या है आपका Pb है, इसमें आपके कौन से आयंस जाएंगे, इसमें आपके जाएंगे देखिए SO4 आयंस, तो ये आपका बन जाएगा लेड सल्फेट, यानी यहाँ पे सल्फेट बनता है आपका, क्या बनता है लेड सल्फेट बनेगा एनोड में भी कैथोड में भी। अब ये डिस्चार्जिंग के दौरान होता है, और चार्जिंग यानी जब डिस्चार्ज होगी बैटरी तो उसको चार्ज करने की आवश्यकता पड़ेगी अल्टरनेटर से, डायनामो से, आप क्या करते हैं चार्जिंग डिस्चार्जिंग कर यहाँ पर चार्जिंग करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या होगा, इसमें रिएक्शन उल्टी होगी। तो देखिए जो आपका स्पंज लेड है, यानी जो आपका क्या है नेगेटिव है, और ये लेड पेरोक्साइड क्या है पॉजिटिव है, तो एनोड पर देखिए क्या रिएक्शन होगी एट एनोड। तो अब आपको पता है कि जब डिस्चार्ज हुआ तो यहाँ पर क्या बन गया था, यहाँ पर बन गया था लेड सल्फेट, दोनों लेड सल्फेट बन गए थे, बन गए थे। अब देखिए दोनों लेड सल्फेट बन गए थे, अब देखिए इसके बाद क्या होगा, ये H2O भी था इसके साथ, अब इसमें आप सल्फेट को ऐड कर देंगे, जब चार्जिंग होती है तो सल्फेट ऐड होगा यहाँ पर एनोड में, और ये आपका बन जाएगा लेड पेरोक्साइड जो पहले था, और ये बन जाता है H2SO4, ये बन जाएगा, ये ध्यान रखिए। और कैथोड पर आपका क्या बनेगा, ये रिएक्शन है आपको याद करनी पड़ेगी, कैथोड पर क्या बनेगा, कैथोड पर हमारा था लेड सल्फेट, इसमें आप दे दें हाइड्रोजन, तो ये आपका बन जाएगा लेड अलग हो जाएगा, ये आपका बनेगा स्टूडेंट यहाँ पर ही लिख रहा हूँ इसको इरेज करके, तो ये आपका बन जाएगा आगे लेड अलग हो जाएगा और H2SO4 अलग हो जाएगा। ये रिएक्शन होगी, ये कैथोड पर होगी, ये एनोड पर होगी, ये आपको रिएक्शन याद रखनी है दोनों लेड एसिड बैटरी की, चार्जिंग की डिस्चार्जिंग की, ये एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन। अब देखिए चार्जिंग के लिए, यानी देखिए बैटरी को चार्ज करने के लिए आप या DC जनरेटर का उपयोग करेंगे या AC। तो जो अगर आप DC जनरेटर का उपयोग करते हैं, जनरेटर क्या होता है, जो कि यहाँ पर आप देखिए मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें, इसको आप जनरेटर बोलते हैं। तो देखिए दो तरीके के जनरेटर आप इस्तेमाल करते हैं, डायनामो और एक आपका होता है अल्टरनेटर, ये AC करंट से, AC जनरेटर भी आप इसे बोलते हैं, अल्टरनेटिव करंट जनरेटर, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए पार्ट्स की बात करें आप, सबसे पहले आप किसकी बात करते हैं स्टूडेंट यहाँ पर पार्ट्स की, जो डायनामो होता है वो मैंने आपको बता दिया क्या कार्य करता है, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग का यहाँ पर कार्य करता है, ये आप ध्यान रखिए। तो देखिए यहाँ पर जो डायनामो होगा, इसके देखिए सबसे पहले एक फ्रेम होगा जिसमें सारा पार्ट आपके बंद होंगे, फ्रेम होगा बिल्कुल, एक फ्रेम होगा यहाँ पर, और एक यहाँ पर होगा आर्मेचर। आर्मेचर देखिए, आर्मेचर एक रोटर होता है जो घूमता है इसके अंदर, जो इसके अंदर घूमेगा, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो चेंज हो रही है मैग्नेटिक फील्ड, इसके अंदर आप अगर क्या करेंगे इसको घुमाएंगे इस रोटर को, इसे ही आप आर्मेचर बोलते हैं। ये सिलेंड्रिकल शेप का होता है और इस आर्मेचर के ऊपर आपका क्या लगा होता है, देखिए कम्यूटेटर, कम्यूटेटर आपकी AC करंट को DC करंट में कन्वर्ट करता है, AC को DC में कन्वर्ट करता है कम्यूटेटर। और इसके ऊपर लगे होते हैं आपके ब्रशेज, क्या लगे होते हैं ब्रशेज, ब्रशेज आपके क्या करते हैं, ये क्या करते हैं आपके कम्यूटेटर के ऊपर लगे होते हैं, करंट को सप्लाई करते हैं सर्किट में, यह आप ध्यान रखिए। और DC जनरेटर जो होता है इसका प्रिंसिपल क्या होगा, इसका प्रिंसिपल आपका होता है फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखिए स्टूडेंट क्या होगा कि जब आप किसी भी जो आपकी वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है इसमें आप किसी भी आप देखिए किसी करंट कैरिंग
कॉइल में, कोई करंट कैरिंग आपकी कॉइल है अगर आपको उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वहाँ पर एक EMF इंड्यूस होगा, ये आपका फैराडे का नियम कहता है। और इससे आप देखिए, जब आप किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को जिसमें करंट आपकी फ्लो हो रही है, अगर आप इसको किस में रखते हैं, अब एक मैग्नेटिक फील्ड में आप इसको रखेंगे तो यहाँ पर EMF इंड्यूस हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। ये डायनामो का कार्य होता है। इसका कार्य क्या होगा, जो इलेक्ट्रिकल आपने जो आपकी मैकेनिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देगा, ये आपको ध्यान रखना है। अल्टरनेटर क्या होता है, AC जनरेटर होता है। इसमें क्या होता है, इसमें आपके स्लिप रिंग्स लगे होते हैं, दोनों का देखिए सेम ही फंक्शन होते हैं, बस यहाँ पर स्लिप रिंग आपके लगे होते हैं और यहाँ पर ब्रशेज भी होंगे। ये स्लिप रिंग्स भी क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए वही है कि आप यहाँ पर क्या करेंगे, आर्मेचर है, इसको आप इस मैग्नेटिक फील्ड में घुमाएंगे, इसको आप घुमाएंगे तो यहाँ पर एक EMF इंड्यूस हो जाएगा, इनके अंदर एक EMF इंड्यूस होगा और यहाँ आपके स्लिप रिंग से होते हुए आपकी जो करंट है वो आपके किस में आ जाएगी, लोड में आ जाएगी, लोड में आ जाएगी। और ब्रशेस से होते हुए, ब्रशेस क्या करेगा, करंट को फ्लो करेगा। देखिए इस मैग्नेटिक फील्ड से करंट आई और इसको आपने सर्किट में डाला, आप इस ब्रश और स्लिप रिंग के बिना इसको यूज़ नहीं कर सकते वरना आपका जो सर्किट है वो डैमेज हो सकता है। तो ये अल्टरनेटर होता है। दोनों का कार्य वही है कि एक इसका प्रिंसिपल भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही है। क्या प्रिंसिपल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही यहाँ पर है कि जब आप किसी वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में आप किसी आर्मेचर को रिवॉल्व करते हैं तो वहाँ पर एक EMF इंड्यूस हो जाता है। EMF वहाँ पर इंड्यूस होने के कारण आपकी क्या हो जाती है, करंट वहाँ पर फ्लो होती है। दोनों का प्रिंसिपल सेम है, कंस्ट्रक्शन में यहाँ पर डिफरेंस और करंट। और यहाँ पर देखिए आपका एक डायोड लगा होता है, डायोड AC को DC में कन्वर्ट करता है, रेक्टिफायर भी आप उसे बोल सकते हैं, AC को DC में यहाँ पर कन्वर्ट करता है। डायोड भी लगा रहता है, जैसे वहाँ पर कम्यूटेटर लगा रहता है आपके DC जनरेटर में, यहाँ पर आपका एक डायोड लगा रहता है, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए इतने ही टॉपिक आपको पढ़ने हैं, मोटा मोटी देखिए यही आपको टॉपिक पढ़ने हैं सारे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। एग्जाम से पहले आप इसको देखिए, इन टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करें। आपको 100% देखिए इसी तरीके का क्वेश्चन पेपर एग्जामिनेशन में रखा हुआ मिलेगा। इस बार पैटर्न भी काफ़ी ईजी हो गया है तो पास होना भी आसान है। इसी तरीके से हम आगे पावर प्लांट की, मैकेट्रॉनिक्स की, एडवांस मशीन डिज़ाइन के, आपके लिए EDM के जो है इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आपके लिए अपलोड करेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करें, और अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स।